एजेंडा जी कि जिहड़े गुरद्वारिया ने इंडियन डिप्लोमैट्स नूं बैन किया है अमेरिका यूके ते कैनेडा च, वह बहुत अच्छी गल की है, क्यों करके इंडिया के डिप्लोमैट्स सिखां दे गुरद्वारिया दे विच डिवाइड एंड रूल करते हैं, उत्थे जिहड़े तां इंडिया के जाल दे विच फस जांदे आ उन्हां नूं वीज़ा ते होर फैसिलिटीज़ दे दिंदे आ, जिहड़े पेट्रियोटिक सिख हैगे आ जिहड़े इंडिया के जाल दे विच नहीं फसदे उन्होंने वीज़ा नहीं देंगे तो होर फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। तो दूसरी है इंडिया कैनेडा अमेरिका एंड यूएस की सॉवरनिटी दे विच उहदी बादशाही दे विच इंटरफेयर कर रहा है, जिहड़ा कि बहुत गलत है कि जे पाकिस्तान का सफीर इत्थे आके किसी मस्जिद दे विच आके इंटरफेयर करेगा इंडिया उन्हें करन देगा नहीं करन देगा। इस तरह अमेरिका ते कैनेडा ते यूके ते ऑस्ट्रेलिया जिथे जिथे भी सिख वसो हैगी है जिथे इंटरफेरेंस करते हैं इस नूं बंद करना चाहिए। और बीबी हरसिमरत कौर जिहड़े सेंटर दे वजीर है उन्हां नूं इंडिया दी बोली नहीं बोलनी चाहिए। वो ठीक है कि साढ़े चार दरवाजे है हरेक गुरद्वारे दे विच सब जा सकते हैं, पर जिहड़ा इंडिया उत्थे पॉलिटिक्स करता है कनिष्कर एयरक्राफ्ट 1985 दे विच डिस्ट्रॉय होया है, वो अजे तक सानू कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकिया कि आखिरी मौके दे उत्ते दो घंटे पहला जदों कनिष्का ने उड़ान भरनी सी दो सीनियर डिप्लोमैट्स इंडियंस ने अपनी उड़ान क्यों कैंसल कराई। तो दो डिप्लोमैट्स जिहड़े इहो जिहे माड़े इंडिया दे कम कर रहे सी सिखां नूं भड़का रहे सीगे सारा कुछ है उन्होंने एक्सपेल किया कैनेडा ने। सो असी चाहते हैं कि यह इंडिया साढ़े दखलअंदाजी ना दे, क्यों करके पॉइंट समझाई नहीं गई इंडिया दे विच तदे असी आए हैं, ये भी आए हैं यूके तो अटवाल साहब सारे आए हैं कि ये चीज़ इंडिया नूं पता लगनी चाहिए है कि असी सिख क्यों नहीं चाहते कि इंडियन डिप्लोमैट साढ़े गुरद्वारों के जान तो उत्थे भड़का सन। दूसरी गल है जिहड़े चार जजा ने बगावत की है, हुण इंडिया की फोर पिलर्स है, एक तो जुडिशरी है, एक पार्लियामेंट है, एक एग्जैक्टिव है, एक प्रेस है। एक पिलर ने तो बगावत करती है जुडिशरी ने, इन्हें रिवोल्ट करता है, तो मेरा मतलब ये चीज़ सीरियसली देखनी पेगी, क्यों करके बीजेपी तो मोदी साहब आरएसएस का बीजेपी का हिंदुत्व का फोर्सफुली एजेंडा लागू कर रही है। तो कोरेगांव दे विच जिहड़े गरीब मूल निवासी सीगे दलित सीगे उन्हां नूं उच्च जातियां दे बंदियां ने कतल करता, बसां तोड़तियां, उन्हां दे घर तोड़ते। मेरा मतलब है कि इस चीज़ नूं डिस्कस करन दे लई साडी 28 तरीक नूं महाराष्ट्र दे विच फिर मीटिंग है जिथे असीं जा रहे हैं, और इस नूं असीं पूरी तरह तय लाउणा है कि सानू बीजेपी कांग्रेस नूं वोट पाउणी चाहीदी है कि नहीं चाहीदी। ते आम आदमी पार्टी दे जिहदे 8 मेरा ख्याल लेजिसलेटर्स रंगरेटे सिख है, 2 MPs रंगरेटे सिख है, जिहड़े कोरेगांव दे विच दलितां दे कतलेआम होया है, ये क्यों नहीं बोले अजे तक। तो जिहड़ा इत्थों दा जौहल साहब सीगा इसने पूरी हेल्प की है आम आदमी पार्टी की, तो सिर्फ साड़ी पार्टी बोलती रही है कि ये ते जुल्म ना करो, पर आम आदमी पार्टी फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिलती कि जौहल दे उत्ते जुल्म हो रहा है, उन्हों टॉर्चर किया जा रहा है। ये जड़ी साइलेंस है आम आदमी पार्टी की, ये क्लियर होनी चाहिए है। फिर पंजाब तो साडा फायदा नहीं हो सकता इकनोमिकली माली तौर पर जिन्ना चेर असी चाइना पाकिस्तान इकनोमिक कोरीडोर नहीं अपनाते, जिहड़ा वाघा तो हसैनीवाल बॉर्डर है ये टुटते नहीं, साडी ट्रेड पाकिस्तान चीन इस कोरीडोर नहीं होंगी, यदा फायदा साडे सिख जिमीदारां नूं बहुत होगा,
46 लाख साढ़े नौजवान बेरोजगार है, उन्होंने रोजी मिलेगी। जेड़े साढ़े व्यापारी हिंदू हैं वह माला माल हो जाएंगे, तो जिन्ना चिर असी स्टक है। हुण तुसी देखो कि बॉम्बे की बंदरगाह बहुत दूर पैंदी है सानू कराची की बंदरगाह। हुण जे आपां इकोनॉमिकली गल करनी है तो साड़ी ट्रेड तो कराची दे विचों होनी चाहिए है, ना कि बॉम्बे जां सूरत दे विचों, तो बहुत दूर हैगी है बंदरगाह। सो ये चीज़ां अज डिस्कस हुई हैं। तो इजराइल नू भी इखलाकी तौर दे उत्ते इंडिया नाल नहीं गल करनी चाहिए, क्यों करके उन्हां दी हिटलर जर्मनी ने जेनोसाइड की है, तो 6,60,00,000 यहूदी उन्होंने गैस चेंबर पा के मार दिते है जर्मन। साड़ी हमेशा सिंपथी उस जूस दे नाल रही है, तो इंडिया ने सिखां दी नसलकुशी की है, दरबार साहब दे उत्ते मिलिट्री अटैक किए है। तो इजराइल नू चाहिदा कि पहला प्राइम मिनिस्टर दे नाल गल करे कि तुसी नसलकुशी जिहड़ी कीती है सिखां दी उहदे बारे तुसी किहड़े किहड़े बंदिआं नू कटारे दे विच खड़ा कीता है, किनू पनिशमेंट कीता है। सानू इक्वल राइट्स मिलने चाहिए है। इत्थे जलियांवाला बाग की गल कीती है, हुण अपने जिहड़े वजीर साहब सिद्धू साहब है उन्होंने सेंटर नू लिखिया है कि जलियांवाला बाग दे लई सानू 100 करोड़ रुपया चाहिए। ये बड़ी अच्छी गल है, उन्होंने जिंदगियां दित्तियां अंग्रेजों नूं बाहर कढ़न दे लई। जिन्ने भी शहीद होए है, जिन्ने भी फांसियां ते चढ़े है, जिन्ने भी एंडमन आइलैंड्स दे विच काले पानी गए है, उन्हां दा मकसद सीगा कि अंग्रेज़ बाहर जावे ते साडा सारियां दा सिखां मुसलमान ते हिंदुआं दा कट्ठा राज होवे। पर ये जिहड़ी मैंडेट सी, जिहड़ा फतवा सीगा इन्हां शहीदां दा, जवाहर लाल नेहरू ने, गांधी ते पटेल ने चोरी करके अंग्रेज़ों तो हिंदू इंडिया बनाता। उधरों मुहम्मद अली जिन्ना ने इस फतवे नू चोरी करके पाकिस्तान बनाता मुसलमानों के लिए। जिहड़ी तीजी पार्टी है सिख, उन्हां नू कख नहीं मिलिया। अज असी जे इंडिया च रहिंदे हां असी हिंदू दे गुलाम है, जे असी पाकिस्तान च रहिंदे हां मुसलमान दे गुलाम है। साडे लई आज़ादी किहड़ी है? मेरा मतलब जिहड़ा शहीदां दा एजेंडा सी। दूसरी गल है कि जिन्ने भी जो प्रेस जलियांवाले बाग जाती है, जे बरतानिया का कोई VIP आउंदा है, कोई प्रेजिडेंट आउंदा है, जां प्राइम मिनिस्टर आउंदा, जां क्वीन आउंदी है, उन्हूं पहला पुछदे है कि तुसी जलियांवाले बाग की बरतानिया की पार्लीमेंट दे विच माफ़ी मंगोगे? पर मेरा मतलब जे इंडिया की प्रेस सिखां नूं वफादार है, जदों बाहर दे मुल्क दे VIPs आउंदे है जां प्राइम मिनिस्टर जांदा है जां होर किते जांदा है मोदी साहब, उन्हूं पुछदे हो कि जिहड़ी तुसी अमृतसर दे विच ब्लू स्टार अटैक करवाया फौज तो, जिहड़ी साडी तोशाखाना लुट के फौज लै गई है, जिहड़ा साडा सिख रेफरेंस लाइब्रेरी चोरी करके लै गई है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ? ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਟੂਵਰਡਸ ਜਸਟ ਹਿੰਦੂਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ 7 ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ। असल दे विच की है कि ये वॉर जिहड़ा इन्होंने किया आरंभ अपने आप दे विच झगड़ा इंडिया ते पाकिस्तान दा, ये पाकिस्तान ते इंडिया दे विच युद्ध नहीं है, ये युद्ध है हिंदू ते मुसलमान दा। ये 1200 साल तो चलता आ रहा है। तो असी जे सिख हैं, गुरु नानक साहब कहिंदे ना असी हिंदू ना मुसलमान, फिर ना तो असी मुसलमान दे नाल है ना असी हिंदू दे नाल है, तो असी उत्थे फाहे क्यों चढ़ीए बॉर्डर दे उत्ते? साडे सिपाही क्यों उत्थे मरन जदों साडा तो कोई लैण देण है नहीं गा? ये जदों लड़ाई हिंदू ते मुसलमान दी है, सानू विच क्यों जबरदस्ती विच पाउंदे? गल तो इन्नी है, सिंपल है। जे तुसी कर सकदे हो तो, जे मैनू होर कुछ पुछना मैं होर प्रशादे दे दूंगा। भिंडरां वालिआं दा जन्मदिन 12 तरीक नूं असी ओबजर्व ते सैलीब्रेट फतेहगढ़ साहब करते हैं फरवरी नूं।
सारी प्रेस नूं बहुत हम्बली मेरे प्रेज है कि तुसी सारे आओ ऐतकी बहुत वड्डे पैमाने ते संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दा इह ते सारे इंडिया दे लीडर्स जिन्ने भी इह भारती मुक्ति मोर्चा दे हैगे है जिहड़े दलित है जिहड़े आदिवासी है सारे आ रहे है ते ऐतकी लंगायत वह भी आ रहे है ते उत्थे इक्को चीज़ होगी उत्थे बोर्ड लग्या होगा हम हिंदू नहीं है जिन्हें भी उत्थे आउणगे दलित आदिवासी लंगायत जिन्हें भी लीडर्स आउणगे उत्थे लिखा होगा हम हिंदू नहीं है ये जान के जिहड़ा यह बीजेपी ते आरएसएस जहर फैला रही है ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ।